बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको नए व्लॉग में वेलकम करते हैं। सुबह सुबह का टाइम है और इस वक्त हम सुबह का नाश्ता बना रहे हैं, मकई की रोटी और चाय। तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और इन्जॉय करें। चलें स्टार्ट करते हैं। लगाने साथ में एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है, इसलिए आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं आ रही होगी। मकई की रोटी दुआ बहुत करती है, घर में दुआ ही दुआ। एक साइड से पक गई रोटी है, देखें कितना धुआं हो रहा है। मकई की रोटी बहुत धुआं करती है, साथ में चाय भी बन रही और साथ ही मकई की रोटी पक रही है, क्योंकि मकई की रोटी पकने में टाइम लेती है, तो इसलिए फिर मैं दो तवे इस्तेमाल करती हूँ कि साथ ही पकते हैं। रोटी और ऑलमोस्ट हमारी रेडी हो चुकी है, इस साइड पे दूसरी पक रही है। हमारा सुबह का नाश्ता मकई की रोटी और चाय। मैं धुआं ही धुआं है, सारा हमारी पक चुकी है। अब हम इन पर घी और हम इस मक्खन और हनी डालेंगे। हसन के लिए मक्खन और हनी और अली की रोटी जो है वो सिर्फ मक्खन ही डालते हैं। Abu's nose is kind of same. साथ में एक कप चाय। चाल हो रही है सन? ना, ये मेरी रोटी तैयार हो रही है।
नाश्ते का टाइम है, मेरी रोटी रेडी हो चुकी है, इस पर थोड़ा सा डालना है हनी। बिस्मिल्लाह करो। और बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस जिसने हमारे साथ नाश्ता करना है वो आकर कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का बने। चले एंजॉय करते हैं हम। ये था जी मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरा हर आने वाला व्लॉग टाइम पर मिल सके। तो इस दुआ के साथ के खुश रहें, खुश रखें और दुआ में याद रखें। आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।